देखिएगा, लगती है आग और चीज के साथ मेल्ट करना और ऐसे बा बढ़िया। देखिएगा पंजाब का कुल्लड़ बड़ा फेमस था और पंजाब का वायरल कपल भी बड़ा फेमस था, मगर मैंने आज जो निकाला है वो है एग कुल्लड़ पिज़्ज़ा। आपने कुल्लड़ तो बहुत जगह खाए होंगे, मगर बाजार में हर जगह खाए होंगे, मगर पुरानी दिल्ली का एग कुल्लड़ पिज़्ज़ा एक अपना सा एक स्वाद है और अपना सा भाऊजी के मसालों का जादू। आइएगा उसको बनाने के लिए मेकिंग करते हैं, और मेकिंग के अंदर खास बात यह रहती है ये भून के बनता है। अक्सर आपने देखा हो तो वो मिक्सचर बनता है, मगर नहीं, आज हम आपको खिलाएंगे अंडों का एक कुल्लड़ पिज़्ज़ा। आइएगा मेकिंग की ओर चलते हैं और स्वाद को पुरानी दिल्ली गलियों के अंदाज में देते ये लीजिएगा। ये कुल्लड़ रेडी हो रहा है और मेकिंग की ओर चलते हैं। पहले डलेगा मक्खन, वो भी क्वार्टर, फिर डलेंगे प्याज और थोड़ा भूनते हुए चलेंगे। ठीक है साहब, आइएगा उस स्वाद को बनाते हैं। मिर्चें, ये अदरक थोड़ा सा भून लें, फिर बाकी की और मेकिंग डालेंगे सर। अच्छा, ये टमाटर, ये थोड़ा सा कैप्सिकम, ये रेड वाली कैप्सिकम, ये कॉर्न, जी आप देख ही जाओ पिज़्ज़ा तो बन रहा है। और मैंने ऐसी चीज़ें खिलाई हैं जो आपने कहीं नहीं खाई हो, इसे एग कुल्लड़ पिज़्ज़ा कहते हैं साहब, और बनाने का अंदाज़ और स्वाद वो भी अलग है साहब। आइएगा थोड़ा सा भून लें। जी हाँ, नहीं मेरा दिल्ली वाला रहेगा, मैं छोटा भाई रहूँगा। मैं किसी को ये नहीं कहता कि मेहमान है, मगर वो बड़े भाई रहेंगे और मैं छोटा भाई रहूँगा और स्वाद के अंदर स्वाद का सिकंदर रहूँगा। आइएगा उस स्वाद को पूरा करते हैं एक कुल्लड़ के साथ। देखिएगा एक कुल्लड़, अंडे का कुल्लड़ बनाने के लिए मैंने 3 अंडे लिए हैं, वो भी मैंने आपके सामने डाल दिए हैं। उसमें डालते हैं बंद और मैं डालूँगा ब्रेड, उसको भी मेकिंग में डालेंगे, मगर डालेंगे थोड़े से क्योंकि स्वाद के लिए डालते हैं। 4-6 स्लाइस वो डाले हैं मैंने। ये नमक, ये लाल मिर्च, ये वही बाऊजी वाला स्वाद, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, ये चुटकी बाऊजी वाली है। 15 से 18 मसाले जो भून के बनते हैं, और ये हल्दी, ये चाइनीज मसाला हल्का सा डलता है, ये देगी मिर्च, और आइएगा धनिया। देखिएगा मैंने कितनी सारी चीज़ें डाल दी हैं, और अभी भी मैं कह रहा हूँ अधूरा है, क्योंकि स्वाद को बनाना और स्वाद के अंदाज़ के साथ देना यही पुरानी दिल्ली की कला है। और स्वाद के अंदर चलते हैं, अभी बहुत सी चीज़ें हैं और आप देखते जाइएगा, मैं डालता जाऊँगा। ठीक है जी, ये खोल दे बेटा। आप कह रहे हो भैया भुजिया इसी में बड़ी प्यारी लग रही है, और मैंने तो अभी चटनियाँ कोई डाली नहीं और स्वाद को डाला ही नहीं। जो इसके अंदर मेन डल रहा है वो भी पिज़्ज़े के, पिज़्ज़ा का जितना भी मटेरियल होता है, ये तंदूरी डाली है मैंने, ये वाइट वाली डाली है, म्यूनिस है सारी जो पिज़्ज़ा के अंदर डलती है, और ये पिज़्ज़ा वाली सॉस। अब आप कहेंगे पिज़्ज़ा बना रहे हैं और ऑर्गेनो फ्लेक्स ना हो और उसका स्वाद ना हो तो मज़ा नहीं आएगा, मैंने वो भी डाल दिया है। अब आपको आपको और क्या कमियां लग रही हैं वो आप कमेंट सेक्शन में क्या बताएंगे। मैं भी और चलूँगा इसके साथ, क्योंकि पिज़्ज़ा बनाना और कुल्लड़ वाला पिज़्ज़ा बहुत सारी चीज़ें हैं, उस स्वाद के अंदर जाना। ये चीज़, ये मोज़रेला चीज़, जी हाँ हाँ यार, कैसे स्वाद कैसे आएगा सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप। और अभी तो काम बाकी है सर, अभी दिखाता हूँ मैं आपको मेन जो कुल्लड़ का मज़ा है जो, वो अभी तो बनेगा सर, अभी तो मटेरियल तैयार हुआ है, और कुल्लड़ कैसे तैयार होगा और उस स्वाद को कैसे दिया जाएगा, उस स्वाद के अंदर चलते हैं। देखिएगा लेस बन गए, आप भी देख रहे होंगे शायद, ठीक है सर, आ रहा है, आएगा अभी और भी लाएंगे हम आपके सामने लाएंगे और उस स्वाद को देंगे कुल्लड़ के अंदर।
अभी प्राइस भी बताते हैं, ये बड़ी अलग सी चीज़ें हैं सर। अभी तो स्वाद शुरू हुआ है, अभी तो चीज़ डलेगी, फिर इसके ऊपर होगा फायर। आइएगा, चीज़ तो मैंने डाल दी, अब इसको मेल्ट भी करना ज़रूरी है। आग लगा देंगे आप बिल्कुल? अभी आग कहाँ लगी है सर, मार्केट में लगेगी। जब नई नई चीज़ें आती हैं और अंडे के अंदर खाई जाती हैं तो दूर तक पहचान होती है यहाँ सिकंदर जी की, और उस पर भी चलना ज़रूरी होता है। हाँ, ये देखिएगा, लगती है आग, और चीज़ के साथ मेल्ट करना और ऐसे ही देना, यही एक साफ स्वाद है जो अच्छी तरह मेल्ट करता है और देता है। अब देखिएगा चीज़ कैसे मेल्ट हो गई है सर। आइएगा और इसकी पैजिटेशन पे चलते हैं और उस स्वाद को देते हैं। अरे सर जाएंगे नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं सर, स्वाद खाने आए हैं आप, सिकंदर ऑमलेट पे आए हैं और ऐसी खास बातें लेके मैं खड़ा हूँ और ऐसे ही स्वाद को देता हूँ। दो केचप जी हाँ, ये सिकंदर है सर, और अभी तो ऑर्गेनोफ्लेक्स एक बार और डलेगा। बाहर चीज़ मेल्ट करी है और उसको अच्छी तरह देना और बड़ी तरीके से स्वाद को बनाना, यही तो सिकंदर भाई की पहचान है। आप देखिएगा, ये स्वाद मेरा रेडी है, ठीक है सर। आइएगा, कुल्लड़ पिज़्ज़ा रेडी है, कुल्लड़ एक पिज़्ज़ा, और उस स्वाद के अंदर चलते हैं और रूबरू कराते हैं आपको स्वाद के अंदाज के साथ। कहीं पंजाब मत पहुँचना, दिल्ली तक आना है आपने, और आना है चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन, अंदर रोड कट रहा है सीताराम बाज़ार, 20 से 25 दुकानें, आप अंदर आएँगे सीधे हाथ पे छोटे भाई की दुकान है, ऐसी खास वैरायटी के लिए आइएगा और शौक फरमाइएगा। तो भाई आइए, आपको चीज़ को दिखाते हैं हम। ये देखिए, ये है चीज़ कुल्लड़ आमलेट, जो भी मिलती है सिकंदर आमलेट का। लेते जाओ भाई, देखो जरा कहाँ तक आता है। ये जो भाई, लंबा चीज़ बोले।